शेफ आ गए हैं देख सकते हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो मास्टर शेफ संजीव कपूर मेरा अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ग्रॉसरी का सामान। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया है। कितना सारा थैला हो गया ना हम लोगों के पास, अभी का थैला पीछे हर महीने का थैला हो जाता है। एक एक थैला कितना लेते हैं 17। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है बुधवार और 20 तारीख और अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और पति देव चले गए मॉर्निंग वॉक पे रोज की तरह मुझे ब्रेकफास्ट दे के। तो पति देव आते हैं, उसके बाद हम दोनों मिलके फटाफट खाना बनाते हैं। आज पति देव का 12 बजे से ड्यूटी है और सुबह सुबह मैंने आज फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया है, ग्रॉसरी का सामान, तो थोड़ा देर में वो भी आ जाएगा। तो बने रहिए बिना स्किप किए इस ब्लॉग में और पूरा दिन हम क्या क्या करते हैं इस ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। अभी बज गया है सुबह का 9:30 और पति देव मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं और फ्लिपकार्ट वाला भी सुबह 7 बजे जो डे ऑर्डर किए थे सारा चीज़ डिलीवर दे दिया है। इतना फास्ट डिलीवरी, हाँ सही में इतना फास्ट डिलीवरी। फ्लिपकार्ट वाला भी सारा ग्रॉसरी का सामान दे के चले गए हैं और पति देव चले गए किचन में। बबरे हाँप गए हैं। पति देव बना रहे लौकी का सब्जी और अभी हम ये सब अनपैक करते हैं जो फ्लिपकार्ट का सामान आया है। उसके बाद पति देव सब्जी उब्जी बना के नहाने जाएंगे, फिर ऑफिस है उनका, लगातार एक के बाद एक काम है। आज देख रहे कैसे कुचिया पीट पीट के जता रहे कि हम खाना बना रहे। देख सकते हैं मेरा फ्लिपकार्ट का सामान सारा आ गया है। 4 थैला में आया है। ये वाला जो थैला है ये मे बी लुलू मॉल का थैला है, क्योंकि लुलू मॉल मेरे घर से एकदम बगल में है 1 किलोमीटर के अंदर और इतना फास्ट डिलीवरी दे देते। इसका मतलब और ये थैला भी लुलू मॉल से ही हम लोगों को पहला टाइम मिला था, तो मे भी ये सामान सारा लुलू मॉल से ही आता होगा। लेकिन अच्छा है, लुलू मॉल से लेने जाओगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में थोड़ा डिस्काउंट मिलता है या बहुत सारा ऑफर रहता है, इसीलिए जो भी सामान मंगवाना है फ्लिपकार्ट से ही मंगवा लेते। थोड़ा वेजिटेबल या फ्रूट्स भी आया है, चलिए अनपैक करते और देखते क्या क्या आया है। क्या किया जाएगा, संजीव कपूर का बीबी प्रेग्नेंट है इसीलिए संजीव कपूर काला और मोटा हो गया है। संजीव कपूर का मास्टर शेफ वाला एप्रॉन खुल के पूरा फिगर दिखने लगा है। मम्मा सब अब छोड़ दो, ये सब हम जचा लेंगे बैठे बैठे, शाम को आप उठा देना आके। ना ना सब हम कर लेंगे, सब कोई बड़ा काम नहीं है। ना ना तो गोटा चावल है। वाह आ गया मेरा वाटरमेलन और मेरा मौसम्बी। झाड़ू और पोछा हम कर लेंगे, अब जाओ नहाने जाओ। तो बहुत सुंदर सा सामान आ चुका है, देख सकते चावल, आटा, मिर्ची, कसूरी मेथी, जीरा, तेल, घी। बालकनी में बैठ के हम देख रहे थे संजीव कपूर अपना ग्रोसरी सामान अनबॉक्सिंग कर रहे थे और देखते देखते गला सूख गया है, तो हमको मिल चुका है कोकोनट वाटर, तो इसको पीते हैं और फिर नज़ारा देखते हैं। मना करते करते थक गए मेरा संजीव कपूर, कुकिंग छोड़ के आ चुके झाड़ू पोछा लगाने के लिए। बहुत मना किए कि झाड़ू मत लगाइए, वो हम कर लेंगे, लेकिन संजीव कपूर बहुत डर चुके हैं अपने बीवी को लेके, क्योंकि दिन के दिन मेरा कंडीशन थोड़ा ख़राब होते जा रहा है। मम्मा दिन के दिन मेरा कंडीशन बहुत ख़राब हो जा रहा है, इसीलिए संजीव कपूर सोचे झाड़ू ही लगा देते, ज़्यादा पैसा खर्चा होने से अच्छा है, हॉस्पिटल में जाके बिल बनाएगी इससे तो झाड़ू ही मार देते। इसीलिए संजीव कपूर अब अपना कुकिंग छोड़ के घर गृहस्थी का आरती, संजीव कपूर कुक छोड़ शेफ छोड़ के आरती बन गए। हो गए हैं तैयार, नहा धो लिए, शर्ट प्रेस कर रहे हैं अपना। हम पति देव को रोटी बना देते हैं, खिला पिला के भेजते, नहीं तो फिर दिन भर भूखा रह जाएंगे। लंच स्किप तो ऐसे ही करते हैं, तो पेट भर के पति देव को खिला देते हैं। चलिए रोटी सेकते हैं। बन गया है मेरा ब्रेकफास्ट और रोटी। आज मेरा पति देव का फेवरेट साग बना है, फेवरेट लौकी बना है और रोटी।
ये मेरे पति देव का भी फेवरेट है, मेरे सासू माँ का भी फेवरेट है, मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लग ही जाता है। तो चलिए पति देव को देते खाने के लिए, वो खा के ऑफिस जाएंगे। सकते हैं आप लोग मेरा घर का क्या हालत हो चुका है, पूरा वार्डरोब खाली हो गया है, इधर इधर भी पूरा खाली हो गया है, सारा इधर भी सारा खाली हो चुका है, लेकिन पतिदेव का मोजा कहीं नहीं मिल रहा है। भाई का राज में भाई कहाँ कहाँ धोया हुआ कपड़ा रख दिया है। देखिए पूरा बिस्तर मेरा क्या हो गया है, 7-8 जोड़ी मोजा मेरा गायब हो गया है पतिदेव का, जो मिल नहीं रहा है। देखते देखते समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। पतिदेव ऑफिस चले गए, बहुत देर हो गया है, और मैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ा देर सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई, तो अभी बज रहा है दोपहर का डेट। तो चलिए थोड़ा सा कुछ खाना बनाते हैं और लंच करते हैं, और जो कपड़ा मेरा खिंडा हुआ पड़ा है सारा कपड़े को, उस कपड़ा को समेटना है क्योंकि पतिदेव का आज आते आते बहुत रात हो जाएगा, मतलब 8:30-9 बज जाएगा। और सुबह मैं इतना मतलब शौक से पतिदेव को पेट भर के खाना खिला के भेजी कि पतिदेव मेरे दोपहर को लंच स्किप करते हैं, तो सुबह अच्छे से खिला के भेजेंगे तो कम से कम खाली पेट गैस नहीं होगा। लेकिन बोलते हैं ना मोटू मेरा पेटू है, मोटू ऐसे ऐसे नहीं बोलते हैं। आज उनका एक फ्रेंड का लास्ट वर्किंग डे था तो लेके गए पार्टी देने के लिए, तो रेस्टोरेंट में बैठ के मस्त मस्त लंच कर रहे हैं, बटर नान और क्या क्या सब खा रहे हैं। तो चलिए देखते पतिदेव क्या क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप लोग बहुत बड़ा मैंगो था, उसको काट के मैंने 2 पीस निकाल लिया है क्योंकि इतना सा मैंगो से मैंने हम थोड़ा सा अपने लिए मैंगो का दाल बनाएंगे, खट्टा दाल, तो इतना सा मैंगो मेरे लिए काफ़ी है, इसको रख देते बाद में कोई काम में ले लेंगे। ऐसे तो पतिदेव खाना बना के गए थे, साग बनाए थे, लौकी का सब्जी बनाए थे, लेकिन साग कल भी खाए थे तो मेरा आज मन नहीं है, और लौकी ऐसे भी मुझे उतना पसंद नहीं है, तो खाएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है, खाना तो ऐसा पड़ेगा। तो हम अपने लिए मैंगो का दाल बनाते हैं और बैंगन का भाजी बना लेते हैं। उसके पहले पीते थोड़ा सा छाछ, दही पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा नमक डाल के छाछ बना के पीते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। देख सकते हैं आप लोग मेरा छाछ बन गया है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना रेड रेड क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें 1/2 चम्मच जैगरी पाउडर डाला है, इसीलिए थोड़ा रेड रेड है। चलिए अब इसको पीते हैं, देखते कैसा बना है। मेरा लगभग बनी गया समझिए, और जो ये बहुत बड़ा काम माथा में घिरा हुआ है ना, जो ये सारा कपड़ा जो सारा वार्डरोब का कपड़ा मेरे बिस्तर में पड़ा है, इसमें से जो कपड़ा मैं पहन नहीं पाती या पतिदेव मोटा हो गए इसलिए पहन नहीं पाते, उसे मैं ट्रॉली में पैक कर देती हूं, तो बहुत जल्द मतलब 15-20 दिन के बाद हम लोग घर चेंज करेंगे, तो उसमें सारा कपड़ा पैक करना पड़ेगा, इसलिए अभी ये खाली हुआ है, तो इसको मैं जो जरूरत का कपड़ा नहीं है अभी वो मैं ट्रॉली में पैक करती हूं, बाकी जो बचेगा वो मैं वार्डरोब में सजा देती हूं, उसके बाद खाना खाते हैं। हां देख सकते हैं आप लोग मेरा लंच बन गया है, करेला कुमड़ा और लौकी का छिलका का भुजिया बनाए हैं, बैंगन भाजी और आम दे के दाल बनाए हैं, और लौकी का सब्जी और साग तो पतिदेव सुबह बना के ही गए थे, जो अभी हम नहीं खा रहे क्योंकि इतना मेरे पेट में जगह भी नहीं है। ये लंच करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि काम करते करते अब मैं सच में बहुत थक गई हूँ, और पतिदेव सुबह इसीलिए काम करके जाते हैं क्योंकि मुझे कुछ ना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं काम कर ले रही हूँ और मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। फिर कल सुबह जाएंगे 9:30 बजे डॉक्टर के पास क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है अंदर से। चलिए अभी लंच करते हैं, फिर शाम को आप लोगों से मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शाम का बज रहा है अभी 7, और थोड़ा देर बाद 8-8:30 बजे तक पतिदेव आ जाएंगे। दिया बत्ती मैंने कर दिया है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है आज,
कल सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिए हैं, जाएंगे पतिते बातें, फिर चाय पीते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज शाम को हम आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं। जैसे 14 अप्रैल था, 14 अप्रैल को कोलकाता में हम लोगों का एक पूजा होता है, मतलब एक मेला लगता है। पहला वैशाख जो होता है नववर्ष, उसका एक मेला लगता है, उसमें चौड़ोक का मेला होता है। उसमें कुछ लड़का लोग रहता है जिसके पीठ में खील बांध देता है, जो मछली वाला खील नहीं होता है वो बांध देता है, फिर उसको काट कर खुटी में चरा देता है, फिर उसको गोल गोल घुमाता है, उसको चौड़ोक बोला जाता है। तो महादेव का पूजा का कुछ होता है हिस्सा, मुझे डिटेल्स में नहीं पता। तो वो मेरे घर के सामने बहुत बड़ा मेला होता है, मतलब कलकत्ता में। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो वाला वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग देखिएगा कि कैसा आप लोगों के वहाँ पे भी ऐसा होता है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारा खाना घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि दोपहर को लंच में बहुत कुछ बना लिए थे। दाल है, भुजिया है, सब्जी है, साग है, बहुत कुछ है। तो अपने लिए दो रोटी सेक लेते। पतिदेव वापस से आए थे 9 बजे, और 9 बजे आके वो अपना डिनर कंप्लीट कर लिए। तो अभी बज रहा है रात का 10:30। चलिए हम भी खाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि कल सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है 9 बजे। तो कल मिलते एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।